भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और सोना सिंह। जी हाँ, आजकल इनके नज़दीकियों की खबर मीडिया में खूब आ रही है और इनकी नज़दीकियों को तूल तब मिल गई जब सोना सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फ़ोटो पोस्ट करती हैं, जो फ़ोटो थी पवन सिंह की और सोना सिंह की। ये दोनों एक फ़ोटो में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इनकी जोड़ी जो देख रहा है, सभी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जोड़ी लग रही है। लेकिन सोना सिंह ने जो लिखा, उसके बाद लोग कयास लगाने लगे और साथ ही साथ कुछ उनके फैंस थे जिन्होंने बुरी तरह से सोना सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ तो एक यूज़र ने उन्हें ये तक लिख दिया कि तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही शादीशुदा मर्द के घर टूट जाते हैं। तो कुछ ने ये लिखा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है और कुछ ने तो इनके कमेंट बॉक्स में हार्ट, फायर, न जाने कौन कौन से इमोजीज बना डाले। लेकिन ये बात तय है कि सोना ने जिस तरह से पवन सिंह के लिए ये शायरी लिखी है, पवन सिंह के कई फैंस ऐसे हैं जिन्हें ये शायरी रास नहीं आई है, क्योंकि उनके पवन भैया तो शादीशुदा हैं। वैसे भी हम पहले आपको उनकी शायरी बता देते हैं कि उन्होंने शायरी क्या लिखी है, और फिर उसके बाद एक बात और आपको बताएंगे जिसे आप सोचने पे एक बार तो मजबूर हो ही जाएंगे कि इस जगह सोना सिंह का क्या काम था। तो चलिए पहले उन्होंने जो लिखा है हम आपको ये बता देते हैं। तुम्हारी प्यारी सी नज़र अगर इधर नहीं होती, नशे में चूर फिजा इस कदर नहीं होती, तुम्हारे आने तलक हमको होश रहा, फिर उसके बाद हमें कुछ खबर नहीं होती। इस तरह की शायरी अगर आप पवन सिंह के लिए लिख रही हैं सोना जी, तो भाई फैंस तो आपसे सवाल करेंगे ही। लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको गौर करने की कौन सी ज़रूरत है। इस फोटो में आपने देखा होगा कि पवन सिंह ने वाइट शर्ट और रेड कलर की पैंट पहनी हुई है और यही इनका जो कॉस्ट्यूम है जमाना कहेला पवन सिंह के शूट का है। जी हाँ, जमाना कहेला पवन सिंह के शूट पर पवन सिंह ने ऐसा ही ड्रेसिंग किया हुआ था उस गाने में। अब उस गाने की शूटिंग पर सोना सिंह का क्या काम था आप समझ लीजिए, लेकिन यहाँ ये तय है कि सोना सिंह पवन सिंह की नज़दीकियों की खबर जो मीडिया में लगातार आ रही है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। वैसे भी सोना सिंह के बर्थडे पर जब पवन सिंह गए थे उन्हें विश करने, तभी भी लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए थे। वैसे खैर, हम तो यही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।